ये हैं श्री रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज। ये रूप और सनातन दोनों सगे भाई पहले गौड़ देश में, जिसे आजकल बंगाल कहा जाता है, गौड़ देश में ये दोनों लोग मंत्री के पद पर थे। एक तो मुख्यमंत्री थे और दूसरे थे राजस्व मंत्री। ये बात लगभग 500 वर्ष पहले की है। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार काल था वो। महाप्रभु चैतन्य का सत्संग इनको प्राप्त हुआ। पता नहीं कितने जन्मों का इनका पुण्य था कि चैतन्य महाप्रभु का सत्संग ये छिप छिप करके, क्योंकि राजा जो था मुसलमान था, मुगल बादशाह, उससे छिप छिप करके ये लोग सत्संग में जाते थे। महाप्रभु चैतन्य के सत्संग से इनको जबरदस्त तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ और दोनों ही मंत्री पद छोड़ करके वृंदावन का अखंड वास करने के लिए चलने को निश्चय कर लिए। रूप गोस्वामी तो निकल गए, सनातन जी को राजा ने पकड़ लिया और रूप गोस्वामी तो जंगल के रास्ते वृंदावन के लिए चल पड़े, लेकिन सनातन गोस्वामी पकड़ में आ गए। जबकि रूप जी छोटे थे, सनातन जी बड़े थे। अब सनातन जी को बहुत विरह व्याप्त हो गया कि छोटा भाई वृंदावन चला गया और मैं बड़ा भाई होकर के घर में रह गया। उन्होंने फिर जेलर को मिलाया, 7,000 अशर्फियाँ उसको दी और कहा तुम जीवन भर में इतनी तनख्वाह नहीं इकट्ठी कर पाओगे, मुझे छोड़ दो। उसने कहा शर्त यह रहेगी कि तुम लौट के कभी बंगाल नहीं आओगे। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं वृंदावन से लौट के जीवन में कभी नहीं आऊँगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो भी कहना हो उन लोगों से बोल देना, वो कभी मेरा मुख यहाँ देख ही नहीं पाएंगे। किसी बहाने से कैदी भाग गया ऐसा उन्होंने लिख करके, और बाद में नौकरी भी जेलर की छूट गई। 7,000 अशर्फियाँ उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त थी। सनातन जी भी वृंदावन के लिए चल पड़े। रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुँचे, यमुना के किनारे। यमुना जी के किनारे बड़े वैराग्य के साथ से लोग भजन करने लगे। भिक्षा में रोटी मांग कर लाते थे, जल पीते थे और भगवान का ध्यान पूजा भजन करते थे। सनातन जी रूप जी दोनों को महाप्रभु चैतन्य के द्वारा मंत्र और साधना सब प्राप्त हुई थी, इसलिए इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। सनातन गोस्वामी को एक दिन भगवान का श्री विग्रह, जो मदन मोहन नाम से थे, मथुरा में प्राप्त हुए, बहुत बड़ी कथा है वो, उनको लेकर के आए और यमुना जी के किनारे आदित्य टीले पर भजन करने लग गए। भगवान ने उनसे कहा मेरे लिए केवल आटा की टिक्कर मत खिलाया करो, कुछ नमक भी मांग लिया करो। इतने विरक्त थे सनातन जी कि उन्होंने कहा लाला तू आज नमक मांग रहा है, कल घी भी मांगेगा, तुझे ये सब खाना है तो अपना इंतजाम कर ले, मैं तो नहीं मांगूंगा। फिर एक घटना घटती है, यमुना जी में एक बहुत धनवान व्यापारी की नाव वहीं फंस गई। ये कथाएँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर वहाँ भगवान ने उस व्यापारी को एक ग्वाले के रूप में प्रकट होकर के कहा तुम्हें यदि अपनी नाव निकालनी है तो जाकर सनातन जी से प्रार्थना करो। सनातन जी ने समझ लिया ये इन्हीं की लीला है, मदन मोहन जी की, और उसकी नाव जब निकल गई, बड़ा धन था उसमें, आगरा जाना था उसको व्यापार के कार्य से, तो वहाँ से लौट करके आने के बाद उसने मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया, जो वृंदावन का सबसे अधिक प्राचीनतम मंदिर है। परिक्रमा में टीले के ऊपर बना हुआ लाल पत्थर का मिलता है। यही सनातन गोस्वामी रोजाना वृंदावन से गोवर्धन परिक्रमा करने जाते थे और जाने लायक नहीं रहे, अतिवृद्ध हो गए, तो ठाकुर जी को दया आई और ठाकुर जी ने अपने चरण से अंकित शिला इनको प्रदान की और कहा वृंदावन में ही रहना। भगवान ने कहा मेरे द्वारा दी हुई शिला की 4 परिक्रमा कर लिया करना, गोवर्धन परिक्रमा का लाभ तुमको वहीं से प्राप्त हो जाएगा। वो शिला जो सनातन गोस्वामी को ठाकुर जी ने दिया था, आज भी राधा दामोदर मंदिर में रखी है, लोग परिक्रमा करते हैं।
और इनके जो छोटे भाई रूप गोस्वामी जी थे, उन्होंने रंगजी मंदिर उस समय नहीं था, आज जो रंगजी मंदिर के सम्मुख लाल पत्थर का गोविंद देव मंदिर है, वो ठाकुर जी गोविंद देव को प्रकट किए थे और जयपुर के राजा ने वो मंदिर बनवाया था। बाद में मुगलों के द्वारा उपद्रव जब हुआ, मंदिर तोड़े गए, तो 7 मंजिला यह मंदिर 2 मंजिल का ही बचा और तोड़ डाला मुगलों ने। उसके पहले जयपुर की रानी को ठाकुर जी ने आदेश कर दिया कि मुझे जयपुर ले चलो, तो वो गोविंद देव मंदिर के ठाकुर जी तो जयपुर में वे आज भी विराजमान है, वहाँ पहुँच गए रानी की भक्ति देखकर। रूप गोस्वामी महाराज की कथाएँ बहुत हैं। रूप गोस्वामी जी ने एक बार ध्यान में देखा था कि कन्हैया ने एक डाली लटकाई है खींचकर, और राधा रानी उस डाली को पकड़ करके फूल तोड़ रही हैं, और तब तक देखा कि भगवान कृष्ण ने डाली छोड़ दी और डाली ऊपर उठ गई, राधा रानी के दोनों चरण उठ गए और लटक गई और कहने लगी श्याम मुझे उतारो, श्याम मुझे उतारो। सखा भाव होने के कारण थोड़ा सा रूप गोस्वामी को हंसी आ गई, किंतु उसी समय उनके नेत्रों के सम्मुख से एक लंगड़े शरीर वाले वैष्णव संत जा रहे थे। उन्हें यह लगा कि साधु मुझे देख के हंस रहा है, और उनको बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई। बस तुरंत ही ध्यान में आए हुए ठाकुर जी चले गए और अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी के पास गए, जिनको गुरुवत आदर करते थे वो। उनसे कहा कि अब ठाकुर जी ध्यान में नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, कृपा करिए मेरे ऊपर। तो सनातन गोस्वामी ने कहा रूप, तुम्हारे द्वारा कोई वैष्णव अपराध हुआ है, संपूर्ण वृंदावन के वैष्णव संतों का भंडारा करो और सबसे क्षमा मांगो, तो वे संत भी मिल जाएंगे जिनके प्रति अपराध हुआ है। उन्होंने यही किया। रूप गोस्वामी ने वैष्णव को बुलाया, सब वैष्णव संत आए, उस भंडारे में वो संत भी आए जो लंगड़े शरीर वाले थे, और सबके चरणों में गिर गिर करके वो कह रहे थे कि मुझसे भूल में किसी से के प्रति अपराध हुआ हो तो क्षमा करिए, कृपा करिए। तब वो जो विकलांग शरीर वाले संत थे वो नाराज़ होकर बोले, जानबूझकर अपराध किया और ऐसे बहाना बना रहा, मुझे लंगड़ा देख के हंसा नहीं था निधिवन में। उन्होंने समझ लिया कि मैं ध्यान में था, मैंने देखा नहीं, और बाबा ने समझ लिया कि मुझे देख के हंस रहे हैं, रहस्य की बात बता करके क्षमा मांगा। तब उन्होंने सिर पर हाथ फेर करके कहा मैंने माफ़ कर दिया। उसी समय वो यमुना जी के किनारे गए, आचमन करके बैठे, और तुरंत भगवान का ध्यान पहले से भी सुंदर लीलायुक्त होने लग गया। तात्पर्य ये है कि किसी संत का अपराध, भक्त का अपराध न हो जाए, इसके लिए सावधान रहना चाहिए। ये रूप सनातन गोस्वामी के द्वारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्याम सुंदर की लीला स्थलियों का अन्वेषण करवाया। जो लीला स्थली गुप्त हो गई थी, श्री वृंदावन धाम ने उन सब लीला स्थलियों को प्रकट किया रूप सनातन गोस्वामी ने। चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ था, इसलिए वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी का बड़ा महत्व है, और उनके परम गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु की ही कृपा से ये सब कार्य संभव हुआ था। ऐसे महान वैष्णवों को बार बार प्रणाम, श्री राधे राधे। रूप गोस्वामी जी पहले नंदगांव में रहते थे, तो नंदगांव में कदम्ब टेर नाम की एक जगह है, वहाँ रहा करते थे। एक बार सनातन गोस्वामी नंदगांव गए, और जब रूप गोस्वामी को पता चला कि सनातन गोस्वामी जी आए हैं, तो बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि सनातन गोस्वामी भी एक सिद्ध संत थे और रूप गोस्वामी भी सिद्ध संत थे, तो उनको जब मालूम हुआ कि वो आए हैं, तो एक संत का दर्शन मिले तो संत को प्रसन्नता होती है और सेवा का भाव भी जगता है। तो रूप गोस्वामी के मन में आया कि आज बहुत दिनों के बाद इनका दर्शन हमको मिल रहा है, तो आज यहाँ पहुँचने के पहले ही मैं एक ऐसी खीर बनाऊँ जिसको पा करके वो बहुत प्रसन्न हो जाएं।
संत सेवा भी हो जाएगी, भगवान भी प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा, भक्ति बढ़ेगी, भगवत प्रेम बढ़ेगा। इस भाव से वो राधा रानी से प्रार्थना करने लगे कि आज ऐसी खीर बनाने का मन है कि जिसका प्रसाद पा करके सनातन गोस्वामी बहुत आनंदित हो जाएं। अब राधा जी का ध्यान करके वो प्रार्थना करने लगे, उसी समय राधा रानी एक कन्या का रूप धारण करके आ गई और उनके साथ कई पात्र थे जिनमें सामान था, दूध था, चावल था, मिश्री थी, मेवे, सब कुछ उन्होंने रख दिया और कहा कि सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनाओ। रख करके वो चली गई। रूप गोस्वामी ने तुरंत ही गाय के गोबर के कंडे से को जला करके और अच्छे सुंदर शुद्ध पात्र में खीर तैयार किया, भगवान को भोग लगा करके सनातन गोस्वामी के सम्मुख रखा और वो जब प्रसाद पाने लगे खीर का तो वे बड़े आश्चर्य में पड़े, बोले इसमें जो भी पदार्थ है मैंने समझ लिया है कि वो इस धरती का नहीं है। दूध, चावल, मिश्री और मेवे ये सब देखने को यहाँ के लग रहे हैं लेकिन ये सब के सब पदार्थ अलौकिक हैं। ये सुगंध भी किसी खीर में नहीं होती जो इसमें है और ये स्वाद भी किसी खीर में नहीं होता है जो इसमें है, तो निश्चित ही इस खीर में कुछ दिव्यता है। तो रूप तुम मुझे ये बताओ कि ये खीर कैसे बनी है, ऐसी खीर तो संसार में कहीं भी नहीं हमने सुना, न देखा, न खाया, न प्रसाद मिला। तो उन्होंने अपने सिर को झुका लिया नीचे और बताना नहीं चाहते थे लेकिन जब सनातन जी ने फिर से कहा कि नहीं इसका रहस्य बताओ, ये सामान्य खीर तो नहीं है, तब रूप जी ने कहा कि महाराज यदि आप जानना ही चाहते हैं तो बता रहा हूँ, ये सब का सब सामान राधा रानी का लाया हुआ है। मैंने ही प्रार्थना किया था कि आप आ रहे हैं तो आपके लिए दिव्य पायस तैयार होना चाहिए, तो उस दिव्य पायस का सामान मैं कहाँ से लाता, इसलिए मैंने राधा रानी से प्रार्थना किया और उन्होंने ही ला करके सारी दिव्य वस्तुएं प्रदान किया जिससे खीर बनाई गई, इसीलिए इसमें सर्वांग दिव्यता है और आपको यह आनंद आ रहा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें स्वाद में दिव्यता है, सुगंध में दिव्यता है, इसके तुष्टि पुष्टि में दिव्यता है, भगवत प्रेम रस की अभिवृद्धि की दिव्यता है जो आपने अनुभव किया वो श्री राधा रानी की कृपा से है, उन्हीं का सब सामान लाया हुआ। तो सनातन गोस्वामी वैसे तो आनंदित बहुत हुए, फिर उन्होंने कहा रूप अब याद रखो जीवन में फिर कभी ये गलती मत करना। उन्होंने कहा महाराज जी क्या गलती हुई, बोले अपने स्वार्थ के लिए कभी भी भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए, तुमने खीर बनाने के लिए राधा रानी को कष्ट दिया और वो गोलोक से आकर के इतना वस्तुएं तुमको दी खीर बनाए, ये तो भगवान को कष्ट दिया तुमने, राधा जी को कष्ट दिया, ये भक्ति में दोष है, इसलिए कभी भी ऐसी अभिलाषा नहीं करना कि मेरे लिए भगवान ये वस्तु लाएं और मुझे ये प्राप्त हो। ये भक्ति का मर्म जब उन्होंने सुना उन्होंने सनातन जी के चरणों में मस्तक रख करके क्षमा याचना किया कि अब कभी आगे ऐसी भूल नहीं होगी। ये रूप गोस्वामी के चरित्र से, सनातन जी के चरित्र से पता चलता है कि साधु की रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए। श्री राधे राधे।